देखिए मेरे लिए तो हिस्टोरिक डे बन चुका है क्योंकि आप इक्वल पे सोचा था एक बार कि ऐसा कभी होगा। और जब 2006 में मर्जर हुआ था तो तब हमने कहा था तो शुरुआत है, यानी कि वो जो रोड मैप बीसीसीआई ने बनाया था ना बिल्कुल सही दिशा में चल रहा था। और आज इस मुकाम पे हम पहुंचे हैं कि मेन और वुमेन को इक्वल पे किया जाएगा मैच फेस, और इसीलिए तो आप खेलते हैं कि आपको इक्वल दर्जा दिया जाए। और वो दर्जा आज पहले तो ट्रीटमेंट में मिल चुका था लेकिन आज वो इक्वल पे करके दर्शा दिया कि वो जो मेहनत है ना वो बिल्कुल सही दिशा में। और ये वुमेन क्रिकेटर के लिए भी मोटिवेशन है, भारतीय टीम के लिए भी मोटिवेशन है और बेहतर करने के लिए कि और पोषा की जाइए। अब आईसीसी ट्रॉफी जो ना केवल एक पड़ाव दूर है आपसे, उसको भी जीत के लेके आइए, ना केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है क्योंकि ये आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। आप अपने बच्चों को कह सकते हैं कि जाइए अब अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए क्रिकेट में क्योंकि इसमें फ्यूचर है, इसमें सिक्योरिटी है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये एक बहुत बड़ा मूव है। यहाँ से वुमेन क्रिकेट अब मुड़के देखेगा नहीं, अब आगे ही जाएगा और बहुत सी ट्रॉफियां बीसीसीआई के वो जो ऑफिस है ना उसमें लगती हुई नजर आएगी। आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू बीसीसीआई मिस्टर जय शाह, इस मूव के लिए सदियों से इंतजार था और वो इंतजार अब पूरा हुआ। थैंक यू सो मच।